हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मिठाई बनी है ये बनी हुई है बची हुई रोटियों से। आप लोग यकीन नहीं करेंगे बट ये बची हुई रोटियों से बनी है और बहुत ही मज़े की मिठाई बनी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है रोटियाँ। तो जब भी आपके घर पे रोटी बच जाए तो आप ये मिठाई ट्राई कर सकते हैं, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने 3 रोटियाँ ली हैं और इनको रोटियों को हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, क्योंकि इन्हें हम ग्राइंड करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी रोटी तो नहीं डाल सकते। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ लेंगे और आप जब ये किसी को मिठाई खिलाएंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि आपने रोटियों से बनाया है, तो बहुत ही मज़े की होती हैं। तो यहाँ पे हमने रोटियाँ तोड़ ली हैं, उसके बाद इसे हम एक जार में डालेंगे इसे ग्राइंड करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने रोटियों को ग्राइंड कर लिया है, ये बहुत ही ईजिली ग्राइंड हो जाती हैं। तो ये ग्राइंड हो गए हैं, इसके बाद इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि इसे हमें सोख करके 10 से 15 मिनट तक रखना है, जिससे ये अच्छी तरह से सोख हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो मिल्क आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 1/4 कप ही यूज़ किया है मिल्क का, और इसे हम डाल के 10 से 15 मिनट तक इसे रख देंगे सोख करने के लिए। ये 10 से 15 मिनट के बाद ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें हमने यहाँ पे 2 टीस्पून घी ऐड किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है और बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और इसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। आप जितना बनाना चाहें उसके हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 रोटियों का बना रहे हैं तो उसी हिसाब से क्वांटिटी दिखा रहे हैं। और इसे मिक्स करना है और इसका एक हमें सॉफ्ट डो रेडी करना है। इसके अलावा इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल टाइट डो रेडी करना है। और ये देखिए, डो हमने बिल्कुल बना लिया है। अब हाथों में तेल लगा लीजिए और इसको शेप देते हैं। तो आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा हाथ में घुमा घुमा के इस तरह का ही शेप देंगे। और ये देखिए, हमने इसी तरह से सारे शेप रेडी कर लिए हैं। और ये सारे रोल रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल को पैन में गरम करने के लिए रख दिया है और तेल यहाँ पे हमारा मीडियम हॉट है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट में हो तभी हम इसमें ये रोल सारे डाल देंगे। इसे हमें थोड़ा लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक इन्हें पलटना भी नहीं है। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन होते दिखाई दे तब इन्हें एक एक करके हम पलट देंगे। और इन्हें दोनों साइड से अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को आगे देखिए। और ये देखिए, यहाँ पे ये सारे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम रेडी कर रहे हैं चाशनी। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी, हमने यहाँ पे शुगर ली है और उतना ही पानी ऐड किया है। और इसमें हमने 2 इलायची डाल दी है और इसे हमें और एक चाशनी रेडी करनी है। बस ये थोड़ा सा, मतलब इसमें शुगर मेल्ट हो जाए इसे उतार लेना है, ज़्यादा नहीं हमें उसके बॉयल करना है। उसके बाद जो हमने ये रोल्स रेडी किए हैं इसे चाशनी में डाल देंगे। और इन्हें हम डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिलाकर कम से कम 1-2 घंटे के लिए या फिर 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक कि इसमें अच्छी तरह से फूल ना जाए। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इन्हें हम सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्व किया है इसे और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चांदी का वर्क और बादाम लगाया है गार्निश के लिए। और ये बहुत ही मज़े की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। ट्रस्ट मी, आप लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि ये रोटी से बनी हुई है, बहुत ही मज़े की लग रही थी, यानी कि ये रसगुल्ले के टाइप मिठाई बन चुकी है। सो आप लोग इसे बनाकर ज़रूर देखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही वीडियोज़ आप लोग देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।